नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है, पब्लिक की अपनी समस्याएं हैं और उम्मीदवारों के अपने दावे हैं। इन सब के बीच हम श्याम नगर में हैं आज, वार्ड 88 लगता है। लोगों की अपनी समस्याएं कि बीते 5 साल में क्या विकास हुआ और क्या ऐसी उम्मीदें हैं जो विकास को लेकर वो उम्मीद लगा रहे हैं अपने पार्षद से, जो पार्षद होगा उससे उम्मीद लगाएंगे। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम है कामिल खान। कामिल जी ये बताइए कि बीते 5 साल में आप अपने वार्ड को कैसे देखते हैं, कुछ अच्छा हुआ है क्या? देखिए अच्छा तो हुआ है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद, 3-4 एक्सीडेंट होने के बावजूद, जब हम लोग धरने पर बैठे, हम लोगों ने पार्षद जी के यहाँ अर्जी दी, डायरेक्ट मेयर से मेरी बात हुई है, उनके मैं घर पे भी विजिट किया है, उसके बाद कम से कम 6 महीने बाद हमारे गली में ये टाइल लगी है। हमने इतनी कोशिश की है, शरीफ भाई थे, मैं था और हमारी गली के सरपरस्त हैं अजहर भाई, इन्होंने, मुशी भाई ने, सब ने बहुत मेहनत की, लेकिन पहली एप्लीकेशन मैंने 2 जून 2022 को लगाई थी, उसके बाद जाके नवंबर या दिसंबर में गली हमारी बनी है। सबसे पहले बताइए कि आपके जो मोहल्ला है जहाँ पे आप लोग रहते हैं, मूल समस्याएं क्या हैं, जिस मूल समस्याओं का आप रोज जिनसे, मूल समस्याएं क्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ सफाई हो जाए, सफाई हो जाए, कूड़े वाली जो गाड़ी आती है वो आ जाए, आते सब है यहाँ पर, लेकिन क्या है, एक बारकोड लगा के चलेगा कि हम आपके यहाँ रेगुलर आएंगे, उसके बाद आज तक कोई नहीं आया। जितने भी गली के अंदर 17 घर हैं, सभी लोग अपनी पॉलिथीन लेकर, अपने डस्टबिन लेकर नाले में जाते हैं, और ये नाले की समस्या ये है कि नाला जाम हो जाता है, आए दिन बदबू आती रहती है। मेरा नाम शरीफ अहमद है। शरीफ जी ये बताइए कि आपके मोहल्ले की, श्याम नगर की प्रमुख 3 समस्याएं जिन्हें आप चाहते हो कि आने वाले 5 साल में वो सुधर जाएं। देखिए प्रमुख समस्याएं सबसे पहले तो झाड़ू लगना है, कूड़ा उठना है और पानी की समस्या है जो आए दिन हमारे लिए खड़ी रहती है कि पानी जो है हमें जो समर्सिबल हैं यहाँ के मिनी ट्यूबवेल हैं वो खराब होते रहते हैं और 8-8, 10-10 दिन पानी नहीं मिलता हम लोगों को। अगर आप मूल्यांकन करें पिछले 5 साल का तो आपका जो पार्षद रहा है 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? भाई साहब 0 नंबर दूंगा मैं उसको। 10 में से 0 नंबर देंगे, मतलब इतनी बड़ी नाराजगी है? नाराजगी क्या है, गंदगी इस कदर की है कि बस पूछो मत। पाइप लाइनें फटी हुई हैं, गंदगी सारी नाले की बाहर आ रही है, झाड़ू कोई देने नहीं आता और ना ही कोई गाड़ी आती उठाने के लिए यहाँ पर। यहाँ तो जो है मामला ऐसी है बस सारा, मतलब जो पार्षद हैं पिछले बार जो जिम्मेदार हैं वो आपके, मतलब आपकी समस्याओं को पूछने भी नहीं आए, पूछने भी नहीं आते, जान मतलब फोन करने के बाद भी नहीं आते वो लोग। अच्छा हम ये समझना चाहेंगे कौन सी मुख्य समस्या है जो आप चाहते हैं कि वो इमीडिएट दूर हो? ऐसा मतलब ये है कि बस नाले की सफाई हो जाए, पाइप लाइन फट रही है, उन्हें कॉल करते हैं वो भी नहीं आते, वहाँ से पानी इस कदर का निकल रहा है कि बस पूछो मत। वेस्टेज इतनी है कि बहुत ज्यादा पानी की, मतलब सड़कों पे पानी है, कूड़ा है, मतलब ये देख लीजिए बहुत बुरा हाल है यहाँ। इतनी गंदगी वहाँ रहती है आप सोच नहीं सकते। पार्षद जी काम नहीं कराते, मैं काम कराता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और आप जाके वार्ड में देख लिए, वार्ड में श्याम नगर क्षेत्र में काम करता हूँ और उसने 1 रुपया काम नहीं किया है। मैंने 3 ट्यूबवेल रिबोर मैंने कराए हैं उधर और मैं ही काम करता हूँ। गड्ढों में आपको 1-1 फुट गारा मिल जाएगा आपको। हरी मस्जिद क्षेत्र, हरी मस्जिद वाली गली, टावर वाली गली, श्याम कासिम वाली गली, भारत स्कूल वाली गली, गारे के गुड़े कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं सारे में। पार्षद के तौर पर हमें अपने क्षेत्र को चमकाना है, इसी वजह से हम चुनाव लड़ रहे हैं, वरना हमें कोई चुनाव लड़ने का इतना शौक नहीं था। मगर जब हमने अपने क्षेत्र में देखा कि गलियां बिल्कुल सड़ी पड़ी हैं, ईद पर भी यहाँ से कूड़े नहीं उठे, बताइए ईद वाले दिन भी कूड़ा नहीं उठा यहाँ पे, त्योहार के दिन, तब क्या साल में हमारा ईद का त्योहार और बकरीद का त्योहार, ये 2 त्योहार होते हैं खास, ईद वाले दिन इतना बुरा हाल था, अब भी बिल्ली कुत्ते सड़े पड़े हैं। अरे हमारे महल में गंदगी बहुत है, कूड़ा हर वक्त पड़े था, सफाई होती, अधिकारी आते नहीं महलों में, देखते नहीं, रोडों पर चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं। गंदगी का मामला पहले है हमारा, पहले गंदगी सफाई तो होनी चाहिए, हम तो बोटम देने जाते हैं, बोटा सब देते हैं सबको, बस गंदगी सफाई तो होनी चाहिए कम से कम, नाली भरी पड़ी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें पार्षद से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पार्षद जो हमारा बस वो साफ सफाई चाहिए, एक नाली है, सफाई हो, अपने खुशहाली होती है बात से, गंदगी बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार है हमारे महल्ले में, गंदगी रही तो बच्चे बीमार होंगे हमारे महल्ले में। तो मैन तो हमारे लिए देखो सफाई का है, मैन मतलब हमारे जो पार्षद चाहिए काबिल आदमी हो, जो अच्छा समझदार आदमी हो, जो काम करा सके, उसकी समस्या भी भाभी भी रखी जाए, नगर निगम में जाए वो आदमी, उसकी बात रखी जाए, पता लगा उसकी बात नहीं रखी जाएगी तो हमारी कहाँ रखी जाएगी? पब्लिक की बात, पब्लिक की बात जी, आगे बढ़ा करके बात होनी चाहिए ना, पता लगा सफाई नहीं होती है वार्ड में बिल्कुल, ठीक गंदगी ज़्यादा रहती है इतना, मैं वार्ड को सफाई वैसे खुद कराता हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको, पार्षद को फ़ोन करते हैं, पता लगा मेरे घर की लाइट ख़राब हो गई, मस्जिद में रमज़ानों में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मैंने फ़ोन किया लाइट वाले को, भी मलिक है, मैंने भाई लाइट कर दो, भाई मैं नहीं कर सकता, मैंने ठेकेदार को करिएगा, ये इतनी समस्याएं होती है मैं बता नहीं सकता, पहले पार्षद को करो, फिर ठेकेदार को करो, फिर 4 जगह फ़ोन करो, तब वहाँ पे पहुँचते और जब वो लोग आते हैं, इतनी समस्याएं वार्ड में बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकता आपको। तो आप जब 11 मई को वोट करने जाएंगे तो आधार आपका वही होगा कि जो आपकी बात को सुने, पब्लिक की बात को सुने और उस पे इम्प्लीमेंटेशन करें। जी जी, हम तो ऐसे आदमी
कोई देखना चाहते हैं ना, चुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए वार्ड को समस्याओं को बिल्कुल हल हो उसका पार्ट का। आपको अगर पार्षद चुना जाता है जी जी, तो तीन प्राथमिकताएं आपकी कौन सी होंगी? हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि जो गलियों के अंदर कूड़े पड़े रहते हैं उन कूड़ों को उठवाना जी। दूसरा, नालियों में गंदगी इस कदर है कि आप दरवाजे पर खड़े नहीं हो सकते किसी के अंदर की साइड में यहाँ पर भी। और तीसरा, कूड़ा नहीं उठता यहाँ कहीं से भी, झाड़ू नहीं लगती है। और उसके लिए यहाँ पर पूरे वार्ड में 421 गली हैं और यहाँ पर जो है 10-12 कर्मचारी, वार्ड बहुत बड़ा है, कम से कम 40 कर्मचारी होने के लिए समस्याएं तो आप भी फेस करेंगे ना। नगर निगम में जो लोग हैं, जो पार्षद है, वो कहते हैं कि साहब सफाई कर्मचारी नहीं तो समस्याएं आपके पास भी आएंगी, तो आप कैसे फेस करेंगे? हम फेस करेंगे, नगर आयुक्त से कंप्लेंट करेंगे, शिकायत करेंगे कि हमारा वार्ड इतना बड़ा है तो हमें उस हिसाब से आप कर्मचारी दीजिए, अब उसको काम को हम कराएंगे। हम तो सबके साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, सारी ये हमारी जो जितने भी हैं सब जिम्मेदार हैं। तो निश्चित तौर पर श्यामनगर की जो मुख्य समस्या यही है कि कूड़ा निस्तारण हो जाए, सड़कें सही बन जाए और पेयजल की समस्या जो है उसको दूर किया जाए। इन्हीं सबको लेकर जो श्यामनगर के निवासी है वो आगामी 11 मई को जाके वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ योगेश मिश्र, दैनिक जागरण एक्स, मेरठ।